हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका अभ्यास सागर का 20वां अध्याय कर्मवीर का प्रश्न उत्तर करेंगे। ज्ञान सागर पुस्तक का प्रश्न उत्तर हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुका है, तो आज हम इस पुस्तक के करेंगे अभ्यास सागर का, जिसमें हम जानते हैं कि इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को दिया जाता है। तो इसके लिए एक तरह से आप व्याकरण के प्रश्न करेंगे, इसमें उसी पाठ से संबंधित रहेंगे, लेकिन जो इसमें दिए गए प्रश्न हैं वो व्याकरण से संबंधित रहेंगे। तो आज इस पाठ में जो है कारक, व्याकरण का जो कारक है उसके बारे में हम इस पाठ में प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले कारक के बारे में समझ लेते हैं। तो कारक का मूल भाव होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी कार्य के जिसका संबंध कर्ता के करने या होने का जो पता चलता है, अर्थात क्रिया के साथ उसका सीधा संबंध पता चले, उस शब्द को हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा सर्वनाम कुछ भी शब्द दिए गए हैं उसके साथ जो क्रिया से उसका संबंध बताता है, जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो इसका संबंध क्या है? राम और श्याम का संबंध शेष के साथ जुड़ रहा है, या फिर मैंने कलम से कॉपी को लिखा, या फिर पत्र को लिखा, या फिर पेंसिल से पत्र को लिखा, तो इसमें किससे जुड़ रहा है? से, कलम से चित्र को, आपको पत्र को लिखा, तो इसमें जुड़ाव जो हो रहा है वो सब जो है कारक कहलाता है। तो इस तरह से पहले हम जान लेते हैं कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब इसके जो होते हैं आपको इसके साथ जो होते हैं, अर्थात इसके लिए जो शब्द यूज होते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। तो किस कारक के साथ कौन से जो है जुड़ती है शब्द, उसे हम विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, करण से, फिर आपका करण का हो जाएगा आपका से, फिर आता है आपका संप्रदान के लिए क्या होगा, संप्रदान के लिए आपका हो जाएगा कि को के लिए, ठीक है, अपदान से, फिर आता है आपका संबंध के लिए हो जाएगा आपका मे पर पे, संबंध के लिए हो जाएगा काके की, ठीक है, फिर अब अधिकरण में हो जाएगा आपका मे पर पे, फिर संबोधन के लिए हो जाएगा हे ओ अरे, ठीक। तो ये सब जो है विभक्तियां हैं। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ में ये आपको दिए हैं पढ़ने के लिए और इनसे संबंधित ही आगे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंशों में कारक बताइए। तो आपको जो मोटे काले शब्द दिए गए हैं, जैसे कायर को, तो कर्म कारक है, कांटों में तो अधिकरण कारक, संकट का तो संबंध कारक, विपत्ति पर अधिकरण कारक, पर्वत के तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित परसर्ग द्वारा पूरी कीजिए। तो परसर्ग अर्थात वही विभक्ति, आपको विभक्ति के बारे में बताना है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, तो इसमें किसमें कौन सा लगेगा ये आपको बताना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया श्यामा ने खाना खाया, ठीक है, यहाँ श्यामा को खाना खाया नहीं लिख सकते हैं, ना श्यामा की खाना खाया, यहाँ जो आपको विभक्ति लगेगी उसे आपको वाक्य को पढ़ के समझ में आ जाएगा। रमेश घर की सफाई कर रहा है, धोबी कपड़े घाट पर ले जाता है, मेम साहब ने अपनी आँखों का काला चश्मा चढ़ा लिया, उनके कपड़ों से इत्र की सुगंध आती रहती है, यह रोटी भिखारी के लिए है, पुनीता छत पर गिर पड़ी, मीना का भाई कल शहर चला जाएगा। तो ये हो गया आपकी विभक्ति। आगे जो है आपको पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। अभी मैंने आपको बताया ना कि कर्ता के कारक के जो है 8 भेद होते हैं और 8ों की विभक्ति, तो ये है विभक्तियाँ, इसे परसर्ग भी कहते हैं। तो ये विभक्ति कर्ता ने, कर्म को, ये जब आप याद कर लेंगे ना
और ने यहाँ क्यों प्रयोग है, जैसे कर्ता में ने क्यों प्रयोग होता है, क्योंकि काम को करने वाला। राम ने खाना खाया, तो राम कर्ता है, काम करने वाला, इसने खाना को खाया। तो ये सारे आपको याद करने के लिए हैं, और ये आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे ना, तो कारक आपका जो है ना, कारक के किसी भी तरीके के प्रश्न हो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसे आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, इसे आप याद करेंगे। अगला है याद रखिए, तो ये भी आपको कारक की परिभाषा है, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, गीता ने दूध पिया, तो गीता ने यानी कर्ता के साथ सीधा संबंध है दूध का, और इस दोनों के संबंध में क्या जुड़ा है, ने, तो ये हो गया कारक। तो यहाँ क्या लिखा, इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है और दूध इसका कर्म, अतः गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक, भी मैंने बताया ना आपको। फिर संज्ञा और सर्वनाम शब्द के बाद ने को से के लिए आदि को जो चिन्ह है वे कारक विभक्ति बताते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया जो कि ने, ये जो बीच में जो दो क्रिया संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों के बीच का जो जुड़ाव है, उस जुड़ाव के लिए, इस जुड़ाव का सीधा संबंध किस पे पड़ता है, ने पर। यदि ने हटा दे तो इसका संबंध नहीं मिल पाएगा, तो ये हो गया कारक। कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह शब्द के बाद ले में लगाए जाते हैं, और संबोधन में शब्द से पहले चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ, किसी भी वाक्य में आप हे ओ अरे बीच में नहीं देखोगे, जैसे हे भगवान ये क्या हो गया, तो हे भगवान ये पहले लगाना, तो ये संबंध, ये याद रखिए, संबोधन जो है आपको किसी भी वाक्य में सबसे पहले जुड़ जाता है और बाकी सब जो है बाद में। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले शब्दों का कारक लिखिए, तो कोठरी में तो अधिकरण कारक, पेंसिल से, तो इसके लिए सबसे आसान आपको जो कारक की विभक्ति है उसे आपको याद करना होगा, और उसके बारे में आप देख सकते हो कि कैसे जुड़ेगा। जैसे काम को करने वाला, जिस काम पर प्रभाव पड़े, को आपको देखिए, को दो जगह यूज़ होता है, जैसे आपको कर्म के साथ भी यूज़ हुआ और आपको संप्रदाय के, लेकिन कि कर्म में क्यों यूज़ होगा, कि जिस पर काम का प्रभाव पड़े, और करण में संप्रदान में क्यों पड़ेगा, क्योंकि जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, तो ये जो है आपको ध्यान से पढ़ना और समझना पड़ेगा, तभी वाक्य को आप बता पाएंगे। तो आप देख सकते हो, अपराजिता ने पेंसिल से चित्र बनाया, तो पेंसिल से, तो इसमें क्या हो रहा कि अपदान कारक होगा, क्यों होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का जिसमें से पेंसिल से चित्र बनाया, तो इसमें क्या है, आपको क्या हो रहा है कि किसी से तुलना की जा रही है, चित्र को किससे बनाया, तो पेंसिल से। ठीक है, अगला है, राम ने निबंध निर्धन को रुपये दिए, तो संप्रदान कारक, संप्रदान कारक क्यों होगा, क्योंकि इसके लिए कुछ किया जाए, तो उसने क्या किया, निर्धन को रुपये दिए, तो दिया जाए या फिर कुछ किया जाए तो वो संप्रदान हो जाता है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो अपदान कारक क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो ये क्या हो रहा, अलग हो रहा, गंगोत्री से गंगा जो है निकल रही है, यानी अलग हो रही, दोनों में अलगाव हो रहा है, तो ये अपदान हो गया। श्यामू काकी के लिए कई दिन रोता रहा, तो इसमें संप्रदान कारक होगा, क्योंकि इसके लिए, किसके लिए रो रहा वो, तो काकी के लिए, तो जिसके लिए कुछ किया जाए, तो यहाँ श्यामू जो है किसके लिए कर रहा, काकी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं अगले, तो भोला रामू से अधिक समझदार था, तो अधिक इसमें क्या है, तुलना की जा रही है। ठीक है, तो इसमें श्यामू की और भोला की तुलना की जा रही है, तो ये हो गया पदान। अंकिता ने बस्ता उठाया, तो ये हो गया, अंकिता ने बस्ता को उठाया, काम करने वाला है। अगला है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कारक चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, सही परसर्गों का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखिए। मेज पर से किताब गिर गई, तो लिखेंगे मेज से किताब गिर गई। अगला है, रवि श्याम का पत्र में लिख रहा था, तो रवि श्याम को पत्र लिख रहा था।
आप वाक्य जब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये सुटेबल वाक्य नहीं है, वाक्य में कुछ गलत है, तो आप खुद से पढ़ के देखो। जैसे लक्ष्य ने कागज़ में एक सुंदर चित्र बनाया, तो होगा लक्ष्य ने कागज़ पर एक सुंदर चित्र बनाया। रेखा ने घोड़े का पानी पिलाया, रेखा ने घोड़े को पानी पिलाया। बच्चों का घर के अंदर तूफान मचा रखा है, बच्चों ने घर के अंदर तूफान मचा रखा है। अगला प्रश्न है, कर्ता कर्म तथा करण कारक का एक साथ प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। हर वाक्य में कर्ता नीचे कर्ता, कर्म और करण कारक छाट कर लिखिए। तो आप इस तरीके से, मैंने यहाँ जो वाक्य बनाया है, आप दूसरे तरीके से भी वाक्य बना सकते हो, लेकिन ये जो चिन्ह है ने को ये होना चाहिए, तभी आपको कर्ता और कर्म और करण ये दोनों का जो विभक्ति है वो जुड़ा रहना चाहिए। इसे आपको ध्यान में लेके आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हो। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में विभक्ति चिन्हों का लोप है, आप उचित विभक्ति चिन्हों पर सर्गों का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखिए। उसने मीना के लिए लड्डू खरीदे या फिर मीना से लड्डू खरीदे, ये लिख सकते हो आप। राकेश ने चाकू से सेब काटा। हर्ष ने चित्र बनाकर भाई को दिया। विभीषण ने रावण को समझाया। नटों ने कर्तव्य दिखाए। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ लगाया है। अगला है, नीचे दिए गए पंक्तियों में से वर्ण शब्दों के प्रारंभ में बार बार आया है, उसे लिखिए। तो वर्ण कौन से शब्द, जैसे निरत नित तो न, फिर यहाँ आया आपको पर्वत पांव तो प, जब जोर तो आपका ज, पत्थर पानी तो प, फिर बादल बरसे तो ब। तो जो वर्ण बार बार लगातार प्रयोग हुआ है उसे लिखना है। दी गई परिभाषा को पूरा कीजिए। जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए तथा एक वर्ण एक से अधिक बन जाए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। कार्य जोर आलय कार्यालय, सत्य जोर आग्रह सत्याग्रह, विद्या जोर अर्थी विद्यार्थी, सूर्य जोर अस्त सूर्यास्त, अंडा जोर कार अंडाकार, सर्व जोर उत्तम सर्वोत्तम। अगला है, कर्म ही पूजा है, शीर्षक पर 100 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। मतलब एक शॉर्ट एसे जो कहते हैं ना, छोटा सा आपको निबंध उसे लिखना है। तो आप ये खुद से लिख सकते हो, यहाँ मैंने लिख दिया है। जैसे कर्म ही पूजा है, यह एक कहावत है जिसका वास्तविक अर्थ है किसी भी कार्य को लगन से, मेहनत से, सच्ची भावना से करना। अतः हमें अपने कार्य को पूजा की तरह लेना चाहिए। जिस प्रकार जब हम पूजा करते हैं तो निस्वार्थ भाव से, बिना लालच, बिना फायदा के, पूरे दिल से करते हैं, उसी प्रकार हमें कर्म भी करना चाहिए। वैसा कर्म जिसमें किसी प्रकार का लोभ, लालच, स्वार्थ नहीं हो, वैसा किया गया कार्य हमारा सफल होता है और उस कर्म के द्वारा किया फल भी प्रिय होता है या सफल होता है। तो इस तरह से मैंने छोटा सा लिखा है अनुच्छेद, आप खुद से भी लिख सकते हो। कर्म का अर्थ है काम करना और पूजा का अर्थ मैंने पूरी श्रद्धा के साथ करना, तो इसे आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस पाठ के सारे जो प्रश्न उत्तर हैं यहाँ पूरे होते हैं। अगर इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं इसे फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर हो। धन्यवाद।